हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बॉटनी में पार्ट टू। ठीक है, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था ब्रांचेज ऑफ बॉटनी के बारे में, पढ़ा था कि कौन कौन सी जो ब्रांचेज है बॉटनी में और उसमें क्या क्या स्टडी हम लोग करते हैं। तो वो हमारा पार्ट वन था और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ और बॉटनी की ब्रांचेस। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो पार्ट टू है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ और ब्रांचेज बॉटनी की और उसके अंदर देखेंगे कि हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो देखिए हमारी जो ये ब्रांच है जो कि ये बायो केमिस्ट्री, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? तो देखिए ये है बायो केमिस्ट्री। ठीक है, तो जनरली हम बायो केमिस्ट्री में जो स्टडी करते हैं वो करते हैं प्लांट्स की केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि वी स्टडी द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, केमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। ओके, तो आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि आपने जो बहुत से जो है मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा होगा, बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो उन सब की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ठीक है, या हम बोल सकते जो आपने जो है बहुत से जो बायो मॉलिक्यूलर प्रोसेस होते हैं, बायो केमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये सारी जो आप स्टडी करते हो वो करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसके साथ ही साथ आप जो है कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस की भी स्टडी करते हैं, तो ये सारा जो है वो आता है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग जो है प्लांट्स की केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है वो है बायोफिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बायोफिजिक्स। तो अब बात आती है बायोफिजिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं। तो बायोफिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ओके, तो वी स्टडी ऑफ प्लांट एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो इन बायोफिजिक्स वी स्टडी ऑफ द प्लांट एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो इसके अंदर हम लोग जो है डिफरेंट टाइप के जो है वेरियस बायोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैम। ठीक है, तो ये पैम क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, PS1 एंड PS2 की एक्टिविटी को देख सकते हैं कि PS1 PS2 में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे जो है कुछ और पैरामीटर्स भी जो है वो चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रेट आप देख सकते हैं, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग देख सकते हैं। तो ये सारे जो बायोफिजिकल जो प्रोसेसेस हैं, या हम बोल सकते हैं जो बायोफिजिकल जो पैरामीटर्स हैं, वो सारे जो हैं आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैम। ठीक है, इसे डुअल पैम भी बोला जाता है। ठीक है, डुअल पैम, क्योंकि ये PS1 और PS2 के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको जो है स्टडी करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोफिजिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच हमारा हो गया माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको नाम से ही लग रहा है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत टाइप से होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया की भी स्टडी हम लोग कर सकते हैं, बैक्टीरिया की या वायरसेस की। ठीक है, या हम बोल सकते हैं माइक्रो एल्गे की। तो ऐसे करके हम जो हैं इसमें इन सब की जो स्टडी करते हैं। तो मोस्टली हम उन
ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जिन्हें हम अपनी जो नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, या उन ऑर्गेनिज्म की जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं या बेनिफिशियल हैं, ठीक है, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म और दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी विद अवर नेकेड आई एंड मे बी दीज ऑर्गेनिज्म मे बी यूजफुल आल्सो और इट मे बी हार्मफुल आल्सो। ओके, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दीज टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी स्टडी दीज ऑर्गेनिज्म अंडर द ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम किसकी स्टडी करते हैं, तो इसमें हम लोग जो क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री एट बायो लाइक मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, तो वी स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि हम मॉलिक्यूलर लेवल तक जो है स्टडी करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा होगा, आपने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका जो हम लोग स्टडी करते हैं ट्रांसलेशन, तो इन सब की जो स्टडी करते हैं ना, तो ये सब हम लोग करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, चलिए अब देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बॉटनी की। तो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारी पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी, ठीक है। तो पैलिनोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं पॉलन ग्रेन्स की, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। ओके, तो हम लोग इसमें पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं और इसका जो रिलेशन क्या है टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी लेवल पे उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी पॉलन ग्रेन का क्या रिलेशन है टैक्सोनॉमिक और इवोल्यूशन लेवल पे, तो उसी चीज की जो स्टडी को हम लोग बोलते हैं पैलिनोलॉजी। क्लियर, नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है बायोमेट्रिक्स, बायो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बायोमेट्रिक्स हम लोग स्टडी करते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की, ठीक है, जैसे आपका मीन मीडियन हो गया या स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो हम लोग जो क्या करते हैं बायोमेट्रिक्स के अंदर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की जो भी हमारा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है उनका जो है हम लोग रिजल्ट्स जो भी हमें गेन होता है जो भी रिजल्ट्स हमें ऑप्टेन होता है तो उसका हम लोग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो वी स्टडी द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट अंडर द ब्रांच बायोमेट्रिक्स। क्लियर, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं एडिंग रिमूविंग और रिपेयरिंग पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देयर बाय चेंजिंग द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एज डिजायर्ड, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायो इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या कहते हैं
किसी भी जेनेटिक मटेरियल का कोई पार्ट को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है उसका हम लोग फिनोटाइप भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज हम बात करें कि अगर हम लोग को कोई भी जीन जो है वो रिमूव करना है या ऐड करना है किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, तो विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी वी कैन ऐड और रिमूव द पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ऑब्टेन द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज डिजायर्ड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम देखते हैं कुछ और ब्रांचेस, देख लेते हैं कि और कौन सी ब्रांचेस जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है जो है वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी ठीक है, तो एग्रोनॉमी हम लोग क्या करते हैं, वी स्टडी ऑफ सोयल, स्टडी ऑफ सोयल मैनेजमेंट, सोयल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, तो एग्रोनॉमी में क्या करते हैं हम लोग, वी स्टडी ऑफ द सोयल मैनेजमेंट एंड हाउ कैन वी प्रोड्यूस द क्रॉप प्लांट्स। तो ऑल दिस कम्स अंडर एग्रोनॉमी। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट ब्रांच। तो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है हॉर्टिकल्चर। क्या है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में हम लोग स्टडी करते हैं फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट, एंड फ्रूटिंग प्लांट। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, फार्मेको जोनेसी, फार्मेको ग्नोसी। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की, स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। क्लियर? तो इन द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट इज फार्मेकोग्नोसी वी स्टडी द मेडिसिनल प्लांट। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी हम किसकी स्टडी करते हैं, जैसे नाम से लग रहा है पेडो, तो स्टडी ऑफ सोयल्स। क्लियर? तो स्टडी ऑफ सोयल्स को हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी ठीक है, तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ ग्रासेस। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ग्रासेस इज कॉल्ड एग्रो एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, तो ये सब बहुत ही इजी ब्रांच है, ये सब आप जो है नाम से ही आपको पता चल जाएगा। तो बैक्टीरियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी, तो ब्रायोलॉजी जैसे नाम को आपको लग रहा है स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स का जो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे आपका हो गया रिक्सिया, मार्केंसिया,
ईटीसी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट इसका ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ठीक है। तो डेंड्रोलॉजी हम लोग स्टडी किसकी करते हैं, स्टडी ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज, क्लियर। तो डेंड्रोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं श्रब्स की और ट्रीज की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपका डिस्कस किया ऑलमोस्ट 15 ब्रांचेस ऑफ बॉटनी, जो कि हमारा पार्ट टू वीडियो था। तो आपको जो है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, अगर आप जो है अपना जो बॉटनी में, अगर आप जो डिटेल नॉलेज जानना चाहते हैं, तो आपको जो है बेसिक जो बॉटनी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी जो ब्रांचेस, ये बॉटनी की ब्रांचेस, इसमें कुछ ब्रांचेस हैं वो एलाइड हैं, ठीक है। कुछ जो ब्रांचेज एलाइड, जैसे कि बायोलॉजी, डेंडोलॉजी, ये सब दो ब्रांचेज एलाइड ब्रांचेज है बॉटनी की। तो आपको जो है अगर इसका डिटेल में पढ़ना है, तो आपको जो है इसके जो ब्रांचेज वो पता होने चाहिए, और उस ब्रांचेज की डेफिनेशन क्या है, ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं अपना ये भी वीडियो फिनिश करता हूँ। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बॉटनी पार्ट 3, ठीक है, जिसमें मैं आपके साथ कुछ और ब्रांचेज ऑफ बॉटनी जो है वो डिस्कस करूंगा, ताकि आपका जो ये चैप्टर है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाए ब्रांचेज ऑफ बॉटनी का, ठीक है, या ये जो टॉपिक है वो आपका पूरा फिनिश होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।